Assalamu alaikum everyone, hope you're learning well. So today we are going to make chilled curry ka sharbat. This is well and very delicious, so let's begin the video. Lekin usse pehle aap sabne channel ko subscribe kar dein, uske baad video start karte hain. So guys, ये ठंडा और मज़ेदार कैरी का शरबत बनाने के लिए हमने ऑफ कोर्स यहाँ पर सबसे पहले ले ली है कैरी। हमने 1 kg के करीब फ्रेश कैरी ले लेनी है। उसके बाद अब हमने इनको अच्छी तरह से पील ऑफ कर लेना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इनको अच्छी तरह से पील ऑफ कर लिया है। इसके बाद जी अब हमने इनके छोटे छोटे स्लाइसेस कट कर लेने हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इसके स्लाइसेस किस तरह से कट किए हैं। इस तरह से स्लाइसेस कट करने के बाद जी अब हमने इनको एक पैन में ट्रांसफ़र कर देना है। पैन में कैरी ऐड करने के बाद जी अपने इसके अंदर ऐड कर दिए वाटर 1.5 कप और इसको हम लोग अच्छी तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए बॉईल होने के लिए रख देंगे। 10 मिनट तक हमने इसको अच्छी तरह से कवर करके कुक कर लिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैरी जो है कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। लेकिन अभी इसमें पानी थोड़ा सा बाकी है तो हम लोग इसको 5 मिनट तक और कुक करेंगे, फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लेंगे। इसी दौरान हमने इसको स्पून की मदद से थोड़ा सा मैश भी करते रहना है। और ये देखें जी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसको अच्छी तरह से कुक कर लिया। इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि जो हम लोग इसको स्पून की मदद से मैश कर रहे थे ये अच्छी तरह से मैश भी हो चुकी है और इसकी स्मूथ सी पेस्ट भी तैयार हो गई है। तो इस पॉइंट पर जी अब हम लोग इसको रूम टेम्परेचर पर थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक जी हमने यहाँ पर 3 पाव के करीब चीनी ले ली है एक पैन में। इसके अंदर हमने ऐड कर दिया वाटर 1.5 कप और इसको हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से बॉईल होने के लिए रख देना है। हमने यहाँ पर चीनी की चाशनी तैयार नहीं करनी, हमने बस चीनी को मेल्ट होने के लिए रखना है। इसी के साथ जी हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं सब्ज़ इलायची पाउडर 1/2 टेबल स्पून। तब तक जी हमने यहाँ पर जो कैरी का पेस्ट रेडी करके रखा था ठंडा होने के लिए वो भी ठंडा हो चुका है। तो इस पॉइंट पर हमने इसको मैशर में ऐड करके अच्छी तरह से मैश कर लिया है और इसमें हमने यहाँ पर अच्छी तरह से मैश करने के बाद अभी भी इसमें कुछ चंक्स बाकी हैं तो उसके लिए हमने इसको स्ट्रेनर में ऐड करके अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लिया है। और इस पॉइंट पर जी हमारा स्ट्रेन करने के बाद कैरी का पल्प जो है बिल्कुल स्मूथली रेडी हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी चंक्स बाकी नहीं है। इस पॉइंट पर इसको हमने अच्छी तरह से रेडी करके रख लेना है। और यहाँ पर जी आप देख सकते हैं कि तब तक शुगर भी जो है अच्छी तरह से इसमें मेल्ट हो गई है। इस पॉइंट पर अब हमने यहाँ पर जो कैरी का पल्प रेडी करके रखा है वो हम लोग इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हम लोग अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स करेंगे। और इस पॉइंट पर जी अब हमने इसको अच्छी तरह से कुक करना है 5 से 10 मिनट तक। 5 मिनट्स तक इसको कुक करने के बाद जी अब हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है ग्रीन फूड कलर और इसको हमने थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। अच्छी तरह से इसमें फूड कलर को मिक्स करने के बाद जी अब हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है ब्लैक सॉल्ट 1.5 टेबल स्पून और इसको हम लोग अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स कर लेंगे। सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून और इस पॉइंट पर जी आप देख सकते हैं कि इसमें जो झाग थी वो ख़त्म हो गई है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इसकी एक तार की चाशनी तैयार नहीं की। इस पॉइंट पर ये थोड़ी सी चिपचिपी ज़रूर हो गई है लेकिन हमने इसकी चाशनी तैयार नहीं की। इस पॉइंट पर जी अब हमने इसके अंदर ऐड कर देना है विनेगर 1.5 टेबल स्पून और इसको हम लोग ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। विनेगर ऐड करने के बाद जी अब हम लोग इसको 5 मिनट तक गाढ़ा होने तक पकाएंगे। उसके बाद हम लोग फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको हम लोग एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद जी हमने इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया और इसमें से 4 टेबल स्पून पल्प हमने एक बाउल में निकाली है। इसी के साथ अब हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं आइस क्यूब्स और फिर अब हम लोग इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जी हमारे पास यहाँ पर चिल्ड कैरी का शरबत जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। और ये देखें जी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इनको ग्लासेस में सर्व कर दिए और इनके ऊपर हमने लेमन भी गार्निश कर दिए ताकि जितने दिखने में मज़ेदार लगे उसे कई गुना ज़्यादा पीने में मज़ेदार लगे। आप मज़ेदार से चिल्ड फ्रेश ड्रिंक्स जो हैं समर्स में इंजॉय कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही जल्द ही बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं और तो और आप इनको किसी स्पेशल इवेंट पर भी बना सकते हैं। So guys, I hope you liked the video. If you liked the video, please do like, share, comment and subscribe to my channel. And don't forget to press the bell icon to share it with your friends and family. Thanks for watching.